अस्सलाम वालेकुम, मेडिसिन एंड चेस्ट चेक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2-3 आफ्टर इट्स रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन के बाद इन पॉइंट के साथ क्या होगा, 2-3, -2-3 और -2 और -3 और 2-3। और एक और क्वेश्चन भी होगा, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक हमारे पास ये क्वेश्चन होगा, द एज ऑफ अशरफ इज 15 इयर्स 10 मंथ्स एंड एज ऑफ अकमल इज 17 इयर्स 5 मंथ्स। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर एजेस, 9:10, 10:9, 11:10 और 10:11। तो बहुत डिटेल से इन क्वेश्चंस को करेंगे और इससे मिलते जुलते कंसेप्ट भी होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस आया था PSTCT टेस्ट में, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स 2-3 आफ्टर इट्स रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के हवाले से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, यानी P जो पॉइंट है हमारे पास 2-3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ड्रा करते हैं कार्टीजियन प्लेन में। ये आपके पास एक कार्टीजियन प्लेन है, ये एक्स और ये एक्स एक्स, एक्स डैश या एक्स नेगेटिव आप कह सकते हैं, वाई और वाई प्राइम इसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन पॉइंट है इसको आपने देखना है कि कहां पर ये होगा। तो ये आपका जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, यहां पर दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती हैं एक्स की और इसकी भी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर आपके पास इस क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब ये कौन से यानी क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं। ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरतीब से ये आ गए। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से कर लूँ, +1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 है एक्स पर जो पॉइंट है, ये यहाँ पर ये 1, 2, ये आएगा 2, यानी ये 1, 2, और यहाँ पर ये माइनस यानी 1, 2, 3, 4। ये वाई नेगेटिव है, वाई अगर पॉजिटिव होता तो फिर हम इस क्वाड्रेंट में होते, लेकिन ये नेगेटिव है, वाई की सेकंड वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आ रही है, तो लिहाजा इस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो अगर इस पॉइंट में ये इस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट जो है आपके पास लाई कर रहा है, तो इसको आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ये -3 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका जो आएगा, यहाँ पर आएगा 2-3। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, कि अब ये रिफ्लेक्टेड होगा लेकिन कहाँ पर होगा। ये तो वाई एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं अवर एक्स एक्सिस। तो अगर ये हमारे पास मिरर है तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा। तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट की, अगर ये मिरर है, यानी जिस तरह शीशे में आप अपना अक्स यानी देखते हैं, तो यहाँ पर या पानी में, तो इस तरह इसकी जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पर आएगी इसकी। अगर हम यहाँ पर ले आते हैं तो 1, 2, 3, यहाँ पर ये 1, 2 यहाँ पर आ गया एक्स, तो वही है यहाँ पर भी, यानी ये पॉजिटिव है और ऊपर भी ये पॉजिटिव है, लेकिन आप वाई को देखेंगे कि वाई यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन ऊपर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इसकी मैचिंग होगी, यानी ये इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कॉन्साइड करेंगे। तो यहाँ पर जो पी आपके पास जो पॉइंट अब बनेगा, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, यानी जो 2 और 3 है इसका ये करेक्ट आंसर आएगा। तो अब देखते हैं कि ये आपके पास किस ऑप्शन में मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट को आप देख सकते हैं 2-3, और ये -2-3 और -2 और -3, 2 और -3। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन आपके पास 2 और 3 है। तो ये था एक छोटा सा जो कंसेप्ट था
रिफ्लेक्शन के हवाले से। तो उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। द एज ऑफ अशरफ इज़ 15 ईयर्स 10 मंथ्स एंड एज ऑफ अकमल इज़ 17 ईयर्स 5 मंथ, फाइंड द रेशो बिटवीन दियर एजेस। तो इसमें हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को इस तरीके से आप कर सकते हैं। एज ऑफ अशरफ तो अशरफ का जो एज है 15 ईयर्स एंड 10 मंथ्स। तो अगर आप ये सिर्फ मंथ्स में रेशो, क्योंकि एक ही सेम क्वांटिटी, ये नहीं है कि आप या तो ईयर्स में करेंगे या मंथ्स में करेंगे, तो इसको हम मंथ्स में आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक साल में आपके पास 12 महीने होते हैं, तो 15 सालों में कितने महीने होंगे। तो 12 के साथ कर लें, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो 12 पंजे 60, असल छः 12 कन 12, 12 और 6 18। तो ये आपके पास, और प्लस 10 अगर ये आप कर लेते हैं तो 190। एक लाइन में भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो पहले इसके साथ करेंगे, फिर नीचे ज़ीरो लगाएंगे, फिर इसके साथ करेंगे, तो अपनी आसानी के खातिर आप वन लाइन में भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अकमल का जो एज है, अकमल जो एज है हमारे पास वो है 17 ईयर्स ईयर प्लस आपके पास जो है 5 मंथ्स। तो हम इसको भी इसी तरह जो है ना 17 को पहले 17 जो ईयर्स है मंथ्स में करेंगे। तो 7 दुनी 14 असल 1, 2 इक्न 2, 2 और 1 3, यानी 17 दुनी 34 और 17 इक्न 17। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, 4 7 और 3 10 असल 1, तो 204। तो ये इसका जो आपके पास 204 आ रहा है, प्लस 5 करेंगे तो 209 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास जब 209 हो जाए, तो अब आप देख सकते हैं अशरफ, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, और अकमल। तो पहले जो अशरफ का हम निकाल चुके हैं 190, और इसका कर चुके हैं जी हम 209। तो अब अगर इसको आप दोनों तरफ 19 पर डिवाइड कर लें, तो ये तो हो जाएगा 19 1 0 19 0, यानी 10 आ जाएगा हमारे पास। तो 10 रेशो, और 19 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो अगर आप इसको इस तरीके से, यानी 209 को डिवीजन के आप अंदर रख लें, 19 को बाहर, 19 1 0 19 1 रह जाएगा, और 19 1 0 19, तो लिहाजा इससे जो आंसर आ रहा है वो 11, यानी 10 रेशो 11 जो है ये आपके पास आना चाहिए। तो ये अगर आप देख लें तो आपके पास 10 रेशो 11 जो है यहाँ पर लास्ट में मौजूद है, और ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है हमारे पास। ये जो है ये करेक्ट आंसर है डी, 10 रेशो 11। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस भी आप समझ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को एक बार लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि इस तरह अब जो कल जो सीटी का टेस्ट होने जा रहे, या नेक्स्ट 22 को पीएसटी का टेस्ट होगा, वो भी इसी तरह हम उसमें से जो क्वेश्चंस हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन इस तरह डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो बाकी डिवीजन्स के लिए क्वेश्चंस और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यूट्यूब पर बरवक्त नोटिफिकेशन आएगा, इसका सिर्फ फ़ायदा इतना है, नुकसान आपको कोई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।